हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूट्रॉन। तो आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, प्रेसी राइटिंग। और प्रेसी राइटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनके पास क्या होता है, समय की बहुत कमी होती है। तो उनको क्या होता है कि बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पास उतना पढ़ने का समय नहीं होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो उनके जो सब स्टाफ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि उस मटेरियल को कट शॉर्ट करना, ठीक है, ताकि जो समरी है वो पूरा इंटैक्ट रहे और जो हमारे जो ऑफिसर हैं उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाए, कम से कम वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। ओके, प्रेसी राइटिंग क्या होता है, ठीक है, इट इज़ एन आर्ट टू कट शॉर्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि एक पैसेज रहता है वो नियर अबाउट 180 वर्ड्स का रहते हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और हमें क्या करना रहता है, उसको 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज करना पड़ता है, जो कि समवट अराउंड 60 के पहुँचता है। जो प्रेसी का जो एक्चुअल जो उसका फाइनल जो प्रेसी बनता है, जो तैयार होता है कट शॉर्ट करके, वो 1/3 होता है, या उसको हम 60 वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लिखा होना चाहिए, वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होना चाहिए, और इट शुड बी ब्रीफ, कंसाइज, कंप्लीट, क्लियर, ग्रामेटिकली एक्यूरेट, वेल कनेक्टेड एंड रिटन इन योर ओन एंड सिंपल लैंग्वेज। वो छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, मीनिंग बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, और जो भी जो हम सेंटेंस उसमें तैयार कर रहे हैं वो वेल कनेक्टेड होने चाहिए, और वो जो अपने लैंग्वेज में हमें लिखना है, और जितना सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं उतना बेटर। तो एक्चुअली में प्रेसी होता क्या है, ये समरी होता है गिवन ऑफ पैसेज का, और हमें क्या करना रहता है, इसमें जो सेंट्रल थीम जो होता है उसको क्लियरली कन्वे करना रहता है उसमें। अब हमें और क्या 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 करना पड़ता है, कीवर्ड्स को अच्छे से हम देखना है कि क्या क्या मेन कीवर्ड्स हैं जिसको हम पुट करेंगे तो हमारा कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा या कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। अब क्या है कि इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि उठा के सीधा सीधी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो हमें वो काम नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और अगर उसमें स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है तो हमें उसे भी कंसिडरेशन में लेना है। और जो और क्या है, लास्ट क्या है, राइट इंटरप्रिटेशन, जो भी कहा गया है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल उसका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसेज में कुछ और बोल रहा है और हम खुद से बना के लिख रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग और निकला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब क्या है, हाउ टू राइट अ गुड प्रेसी, एक अच्छी प्रेसी लिखने का क्या तरीका होता है वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्विक स्किमिंग ऑफ द पैसेज। हम क्या करते हैं कि पैसेज को जो क्या करते हैं, पहले हम एक बार पढ़ते हैं और उसमें क्या करते हैं, स्किमिंग एक टेक्निक होता है। स्किमिंग टेक्निक ये होता है कि हमें जो भी एक बार जब हम उसे एक नज़र से हम जो उसे देख लेते हैं उस पैसेज को, तो हमें मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है कि ये पैसेज में बात हो किस बात को लेकर हो रही है। और इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ इसको रीड नहीं करना है, स्टडी करना है। क्यों स्टडी इसीलिए करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सा पॉइंट नहीं लेना है। सिर्फ एक रीडिंग लेने से क्या होता है कि आप दिमाग लोगों का इंसान का दिमाग कहीं और रहता है और वो सिर्फ एक बार रीडिंग डाल के बैठ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और इसमें क्या होता है, पहले हम एक प्रॉपर हेडिंग देते हैं उस प्रेसी का, क्या प्रॉपर हेडिंग होता है। जब पैसेज पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि सेंट्रल थीम क्या है, तो उसके लिए हमें क्या है, एक प्रॉपर हेडिंग देना पड़ता है। फिर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे भी लिखे रहते हैं जो एसेंशियल नहीं होते हैं, मतलब उसे अगर हम नहीं भी लिखें तो काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बहुत तरीके से लिखा हुआ रहता है, बहुत ही जो होता है कि वो सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है। उसके बाद फिर क्या है, हम पहला काम क्या करते हैं, जब हम उसको पढ़ लेते हैं, स्किमिंग कर लेते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होता है, एक रफ ड्राफ्ट तैयार करने का।
अगर हम एक रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, पॉइंट्स को लेके इजीली हमें मर्ज करने में आसानी होगा और हम उसको सही एक सीक्वेंस में बैठा पाएंगे। तो जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि कनेक्ट द सेंटेंसेज इन अ कोहेरेंट एंड सिक्वेंशियल मैनर, ठीक है। तो इसमें जो है सेंटेंस जो होते हैं बिल्कुल कोहेरेंट होने चाहिए और सीक्वेंस में होने चाहिए। उसके नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ नोट ऑफ द वर्ड काउंट एंड कीप अ ट्रैक ऑफ स्पेलिंग चेक। हमें साथ ही साथ हमें क्या करना है, वर्ड काउंट का भी हमें टेक ध्यान रखना है कि कहीं ज़्यादा एक्सीड ना कर जाए या कम ना रह जाए। उसके बाद फिर हमें क्या है, साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि स्पेलिंग कहाँ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर क्या है, जब हम प्रेसी को स्टार्ट करते हैं तो उसका हमारा जो मेन आइडिया है, ठीक है, जो जिसके बारे में बात कर रहा है, जिस टॉपिक को लेके बात हो रही है, तो वो मेन आइडिया से हमें शुरुआत करना रहता है, वो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेसिव होता है। तो इसमें क्या एक और है कि डोंट ऐड योर पर्सनल ओपिनियन। आपको अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ पे नहीं देना है, आपको वही वही पैसेज के जो वर्ड्स हैं उसी को सिंप्लीफाई करके आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, मगर उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं डालना है। ऐसा नहीं है कि उसमें बोल रहा है कि नहीं हमें ये करना चाहिए तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं कि नहीं नहीं हमें ये भी करना चाहिए, तो वो काम नहीं करना है। और लास्ट क्या है, एट लास्ट डोंट कॉपी फ्रॉम द पैसेज से हमें क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से एक बहुत ही खराब इंप्रेशन जाता है। तो हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमारा पैसेज है, तो हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। टू बी गुड इज नोबल बट टू टीच अदर्स हाउ टू बी गुड नोबलर एंड नो ट्रबल सेड अ वेल नोन राइटर। ये एक वेल नोन राइटर है, ये स्टेटमेंट दिया है। दिस में अकाउंट फॉर ग्रेट प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रीचिंग ओवर प्रैक्टिस। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कि प्रीचिंग की बात हो रही है और प्रैक्टिस की बात हो रही है। अब हम आगे देखते हैं कि किस टाइप की प्रीचिंग की बात कर रहा है और किस टाइप का प्रैक्टिस का बात है, क्योंकि इससे तो हमें कुछ क्लियर हो नहीं रहा। तो यहाँ पे लिखा है वी डोंट मीन द प्रीचिंग वी गेट फ्रॉम द पल्पिट। पल्पिट क्या होता है, पल्पिट वो होता है जो आपके जैसे चर्च में चले जाओगे तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो सरमंस देते हैं, जो वहाँ पे ज्ञान देते हैं, तो उनको हम पल्पिट बोलते हैं, ठीक है। बट डैट विच इज़ गिवन फ्रीली एंड विदाउट स्टिंट इन बसेज इन द स्ट्रीट्स एंड इवन इन द होम्स ऑफ आवर लैंड। तो ये उस प्रीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस प्रीचिंग की बात कर रहे हैं जो हम जैसे ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लोग जब बात करते हैं तो कुछ अगेंस्ट में बात करेंगे, कुछ फॉर में बात करेंगे। तो वहाँ पे जो ज्ञान जो दिया जाता है, जो प्रीचिंग दिया जाता है, ये उस प्रीचिंग की बात हो रही है। वेयर इज़ द पेरेंट हु डजंट डिस्कवर हिमसेल्फ टेलिंग हिज चाइल्ड नॉट टू डू जस्ट वॉट ही हिमसेल्फ डज रेगुलरली। जैसे कि हम आम तौर से देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं तो अब हर पेरेंट यही चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा दें, मगर होता क्या है कि जो पेरेंट जो असली में जो ज्ञान देते हैं बच्चे को कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो जब होता है तो उनको जब ज़रूरत पड़ता है तो वो झूठ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि क्या जो पेरेंट जो खुद जो प्रीच कर रहे हैं, क्या वो उसको खुद फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली। इसके बाद फिर क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर सर्टेन दैट दे नो जस्ट हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून एंड हु टेल अदर्स सो। तो यहाँ पे पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल श्योर हैं, सर्टेन हैं, दैट दे नो जस्ट हाउ टू मेक फॉर्च्यून, कि उनको पता है कि हमें धन दौलत कैसे कमाना है, एंड हु टेल अदर्स सो, और जो दूसरे को बताते हैं। तो एंड दे हैव नेवर मेड एनीथिंग सेव फिनेंशियल मिस्टेक्स, और वो क्या करते हैं, वो फिनेंशियल मिस्टेक्स को रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ ऐसा करो तो खूब पैसा कमा लोगे, वैसा करो तो बहुत पैसा कमा लोगे, मगर वो खुद करते हैं या नहीं करते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है। उन्हें शायद उसका ज्ञान भी नहीं हो, मगर वो सबको ज्ञान बांटते चलते हैं। मगर एक चीज़ और यहाँ पर बात कही गई है कि जो आपको प्रीचिंग दे रहे हैं तो वो वही दे सकता है जो खुद से फिनेंशियल मिस्टेक्स किया हो,
जो एक्चुअल में फिनेंशियल मिस्टेक्स किया है वही आपको बता सकता है कि आप ये मत करो, नहीं तो आप कभी लाइफ में रिच नहीं हो पाओगे या कभी धन नहीं कमा पाओगे। द मैन हु नेवर स्वैम अ स्ट्रोक फील्स परफेक्टली कॉम्पिटेंट टू टेल अनदर हाउ टू स्विम। जैसे कि अभी यहाँ पे सेम एक एग्जाम्पल्स का भी एक सिलसिला चल रहा है, जैसे अभी एक फॉर्च्यून वाला एग्जाम्पल हो गया, अभी एक दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है यहाँ पे, द मैन हु नेवर स्वैम अ स्ट्रोक, वो इंसान जो कभी आज तक एक बार कभी तैरा नहीं है पानी में, वो अपने आप को बहुत ही कॉम्पिटेंट फील करता है दूसरों को ये बताने में कि आप ऐसे तैरना सीखो। ठीक है, द मैन हु कैनॉट फाइंड हिज वे इवन टू अ मॉडेस्ट कॉम्पिटेंस नोज जस्ट हाउ टू सेव द नेशन फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक इल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। इट इज़ नो ट्रबल टू प्रीच बट इज कंसिडरेबल ट्रबल टू कैरी आउट वॉट वी प्रीच। दिस इज सो ट्रू डैट द ऑनेस्ट प्रीचर प्रीचेस टू हिमसेल्फ इवन मोर देन टू हिज हियरर्स इन एवरी सेशन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑनेस्ट प्रीचर की बात हो रही है, ऑनेस्ट प्रीचर की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है कि जो ऑनेस्ट प्रीचर जो है वो दूसरों को जो ज्ञान देता है, प्रीच करता है, ठीक है, तो वो खुद को जो है ज्यादा प्रीच करता है पहले, ठीक है, जो पहले खुद उस चीज को फॉलो करता है, जो सब ज्यादा फॉलो करता है अपने बातों को, वही प्रीच कर सकता है। तो वो उस टाइप का इंसान कौन होगा, ऑनेस्ट प्रीचर होगा। ओनली द मैन हु इज स्ट्राइविंग टू क्लाइम द लॉफ्टीएस्ट हाइट्स नोज जस्ट हाउ डिफिकल्ट इज द वे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो इंसान जो क्लाइम करता है लॉफ्टीएस्ट हाइट्स, उसको ही पता है कि वो कितना डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पे एग्जाम्पल से उस चीज़ को बैक किया जा रहा है। एंड सो द मैन हु क्लाइम्स एज ही प्रीचेज विल प्रीच ऑल द मोर अर्नेस्टली एंड मोर इफेक्टिवली। तो उस तरह का इंसान जो खुद डिफिकल्टी का सामना करते हुए आगे बढ़ा है, तो वो आपको क्या करेगा, मोर अर्नेस्टली एंड मोर इफेक्टिवली चीज़ों को बताएगा। तो ये जो पैसेज है टोटल 244 वर्ड्स का है। तो हमें इस पैसेज को पढ़ने से एक हमें एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। तो हमने एक स्किमिंग कर लिया कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, प्रीचिंग के बारे में बात हो रही है। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि हम एक रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अब इस रफ ड्राफ्ट में क्या है, जैसे कि हमने उसमें से पैसेज में से हमने कुछ पॉइंट्स निकाल के लिखे हैं जो पैसेज से रिलेटेड है। तो क्या है, इट इज़ नोबलर टू प्रीच टू बी गुड देन टू प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज सीन दैट द वंस हु हैव नेवर स्वॉम अ स्ट्रोक फील्स परफेक्टली कॉम्पिटेंट एनफ टू टेल अदर्स हाउ टू स्विम। नेक्स्ट क्या है, इट इज ईजियर सेड देन डन। ये जो है इट इज ईजियर सेड देन डन, ये एक तरीके का कंक्लूजन है। ये जो स्टार्टिंग में जो बोला गया है पैसेज में, उसका कंक्लूजन है। उसमें जो निगेटिव बात हो रही थी कि जिसे खुद नहीं आता वो दूसरों को ज्ञान देने चला है, ठीक है, तो उसका वो एक एक शॉर्टेस्ट सेंटेंस में उसका समरी क्या हो गया, इट इज ईजियर सेड देन डन। अब क्या है, दोज हु फेल इन प्रैक्टिस आर बेस्ट सूटेड टू द वर्क ऑफ प्रीचिंग। तो ये एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। द पर्सन हु मेक्स फॉर्च्यून आर द पीपल हु मेक मैनी फिनेंशियल मिस्टेक्स। उसके बाद फिर क्या है, अ ऑनेस्ट प्रीचर इज द वन हु प्रीचेस टू हिम सेल्फ इवन मोर देन टू हिज हियरर्स। और नेक्स्ट क्या है, द मैन हु हैज सफर्ड डिफिकल्टीज कैन मोर अर्नेस्टली एंड इफेक्टिवली विल शो अदर्स द पाथ टूवर्ड्स सक्सेस। तो हमने जब ये रफ ड्राफ्ट तैयार किया तो 244 वर्ड से घट के ये 106 वर्ड्स पे आ गया, ठीक है। अब हम फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल जो है उसका प्रेसी हम तैयार करते हैं। तो फाइनल प्रेसी में क्या है, इसका हेडिंग क्या है, द हेगमनी ऑफ प्रीचिंग ओवर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रीचिंग करने में और प्रैक्टिस करने में जो अंतर है उसको बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, इट इज़ नोबलर टू प्रीच बींग गुड देन टू प्रैक्टिस, दोज हु फेल इन प्रैक्टिस आर बेस्ट सूटेड टू प्रीचिंग, द पर्सन हु मेक्स फॉर्च्यून इज द पर्सन हु मेक्स फिनेंशियल मिस्टेक्स, अ ऑनेस्ट प्रीचर प्रीचेज हिमसेल्फ मोर देन टू अदर्स, अ मैन हु हैज सफर्ड डिफिकल्टीज कैन मोर अर्नेस्टली एंड इफेक्टिवली शो अदर पीपल द पाथ टूवर्ड सक्सेस। तो
तो ये जो है हमने टोटल इसका समरी हमने तैयार कर लिया है और ये टोटल हमारा 60 वर्ड्स का है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि तो जो भी सेंटेंसेस बने हैं बिल्कुल कोहेरेंट तरीके से हैं और सारे पॉइंट्स को कवर अप किया गया है, ठीक है। तो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।